झारखंड में दो दिन देरी से आएगा मानसून। गढ़वा पलामू में सीवियर हीटवेव का अलर्ट। 45.9 डिग्री के साथ सरायकेला रहा सबसे गर्म। झारखंड में अगले दो दिन गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। राज्य में अभी मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून में दो दिन की देरी हो सकती है। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी, 15 की मौत, 60 घायल। रेलवे ने कहा गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 2 लोको पायलट और 1 गार्ड समेत 8 लोगों की मौत हुई है। ईस्टर्न रेलवे के CPRO कौशिक मित्रा ने इसकी पुष्टि की। न्यूज एजेंसी PTI ने 15 लोगों की मौत और 60 के घायल होने की जानकारी दी है। कौशिक मित्रा ने बताया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के ट्रेन के आखिर में 2 पार्सल और 1 SLR कोच लगे हुए थे। इसमें कोई पैसेंजर नहीं था। ट्रेन के डिब्बे 5 डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। 12:40 पर एक स्पेशल ट्रेन सियालदह के लिए रवाना हो चुकी है। ट्रेन में अधिकतर यात्री मालदा और बोलपुर के हैं। सिंगल लाइन पर ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। न्यू जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जताया दुख। बिहार बंगाल की सीमा के पास एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। रंगापानी रेलवे स्टेशन पर सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुआ। रेलवे की टीम जांच में जुट गई है। हादसे के बाद से ही रेल परिचालन ठप हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अन्य नेताओं ने इस हादसे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे का जायजा लेने दार्जिलिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। सरकार ने बढ़ाया मुआवजा। घटना में मृतकों के परिजन को 10 लाख, गंभीर घायलों को 2.5 लाख की मदद। मुख्यमंत्री ने जलपाईगुड़ी के पास खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। रंगापानी और निजबाड़ी के पास हुए हादसे में 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रेलवे की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत और 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर, आरागाम में जंगलों में मुठभेड़ जारी। रियासी में एक आतंकी हमले की जांच NIA करेगा, नई FIR दर्ज। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। यहां से 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, उनकी तलाश की जा रही है। अरागाम के जंगलों में रविवार को फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद सेना और पुलिस ने सर्चिंग की। सोमवार सुबह तलाशी तेज की गई तो आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मारे गए आतंकवादी का शव जंगल में पड़ा हुआ है, उसे ड्रोन से देखा गया, हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर एक्शन की तैयारी, अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मई 2023 से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार शाम एक रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। यह हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में शाम में होगी। इसमें केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो अधिकारियों के साथ मणिपुर के मुख्य सचिव, मणिपुर DGP, साथ ही सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई। कहा NTA में सुधार की जरूरत, अफसर दोषी मिले तो छोड़ेंगे नहीं। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी है। उन्होंने रविवार 16 जून को कहा कि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई है, जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। एक्स ने अप्रैल मई में 2.30 लाख भारतीय अकाउंट बैन किए। इन अकाउंट्स पर बच्चों के यौन शोषण, न्यूडिटी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। इलॉन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने 26 अप्रैल से 25 मई के बीच भारत में 2,30,892 अकाउंट्स को बैन किया है। इनमें से 2,29,925 अकाउंट्स को बच्चों के यौन शोषण और नॉन कंसेंशुअल न्यूडिटी को बढ़ावा देने के आरोप में बैन किया गया है। वहीं 967 अकाउंट को आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप में हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, संगलदान रियासी के बीच 30 जून से चलेगी पहली ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बताया कि जम्मू के रामबन में संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ है। यह ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस सफल परीक्षण की जानकारी दी। चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक संगलदान से रियासी रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन के सफल परीक्षण के बाद इस रूट पर पहली ट्रेन 30 जून को ऑपरेट करेगी। यूपी में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल अजहा। नमाज पढ़कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी।
ईद उल अजहा का त्यौहार प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं प्रदेश भर में सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर सबसे पहले सुन्नी समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी। भाजपा का मटका फोड़ प्रदर्शन जारी, आपका पलटवार, गंदे पानी से कब मिलेगी मुक्ति। राजधानी में गहराते पेयजल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में मोतीनगर फन सिनेमा के पास पानी की किल्लत को लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले प्रदेश भाजपा ने प्रमुख 14 स्थानों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। लोग गंदा पानी पीने को भी मजबूर है। अबुआ आवास योजना, जानिए सीएम ने दूसरी किस्त राशि देने के लिए क्या निर्देश दिए। अबुआ आवास योजना में दूसरी किस्त जारी करने पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ग्रामीण विकास के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी किस्त की राशि अविलंब जारी किया जाए। सीएम ने इस योजना में अनियमितता और लापरवाही नहीं बरतने की भी चेतावनी दी है। बिहार समेत 22 राज्यों में आज बारिश का अनुमान, एमपी में दो दिन बाद मानसून पहुंचेगा। बिहार में हीट वेव से 24 घंटे में 8 मौतें। मौसम विभाग ने 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। इधर बिहार, झारखंड, ओडिशा, गुजरात में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी के चलते अगले 5 दिन बारिश का दौर रहेगा। बंगाल गवर्नर का आदेश, कोलकाता पुलिस राजभवन तुरंत खाली करे, गेट के पास बनी पुलिस चौकी को पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार सुबह राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस के जवानों को तुरंत परिसर खाली करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर बोस राजभवन के नॉर्थ गेट के पास पुलिस चौकी को जनमंच में बनाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि पुलिस को हटाने का आदेश उस घटना से जुड़ा देखा जा रहा है जिसमें राजभवन में तैनात पुलिसकर्मियों ने चुनाव हिंसा पीड़ितों को गवर्नर से मिलने से रोक दिया था। केरल कांग्रेस ने विवादित पोस्ट पर मांगी माफी, पोप मोदी की मुलाकात पर लिखा, आखिरकार ईसाई धर्मगुरु की भगवान से मुलाकात हो ही गई। इटली में G7 मीटिंग के 14 जून को ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए केरल कांग्रेस ने रविवार को लिखा कि आखिरकार पोप की भगवान से मुलाकात हो ही गई। केरल कांग्रेस ने मोदी को भगवान ने मुझे स्पेशल मिशन के लिए भेजा है बयान को लेकर तंज किया था। यौन शोषण के सीआईडी के सामने पेश हुए येदियुरप्पा पूछताछ से पहले बोले, राज्य के लोग परेशानी में हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रोकी थी। नाबालिग लड़की से यौन शोषण मामले में पूछताछ के लिए कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा सोमवार को सीआईडी के सामने पेश हो गए। सीआईडी के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। घर से निकलते समय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं पूछताछ के लिए जा रहा हूं, राज्य के लोग बहुत दिक्कत झेल रहे हैं, ऐसे समय में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना एक अपराध है। कांग्रेस बोली, संसद परिवार में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन मनमानी, स्वतंत्रता सेनानियों की अलग अलग रखी मूर्तियां यहां एक साथ लगाई गई, उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल में सभी राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां एक साथ रखी गई है जो पहले परिसर में अलग अलग रखी गई थी। हज के लिए गए 14 लोगों की मौत, 2700 से ज्यादा की तबीयत बिगड़ी, सऊदी ने की यह अपील। सऊदी अरब में हज के लिए गए 14 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को अधिकारियों ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण ये मौतें हुई हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी लोग जॉर्डन के थे। पूर्व सांसद केडी सिंह के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया दूसरा मुकदमा, जब्त हो चुकी 30 करोड़ की संपत्ति। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। राजधानी स्थित सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने यूपी सरकार की सिफारिश पर इस प्रकरण की जांच अपने हाथों में ली है। बता दें कि देश भर में निवेशकों की रकम हड़पने को लेकर केडी सिंह के खिलाफ सीबीआई पहले भी मुकदमे दर्ज कर चुकी है।